जो इस वक्त हमारी औकाफ की चेयरमैन भी हैं एडवर्सन और उसके साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर मुख्तार साहब जो एक बहुत बड़े बिजनेस हाउस के चेयरमैन हैं, PIG में भी मंत्रण है और उसके अलावा ओटे क्लब के ये प्रेजेंट और उसके हमारे जो स्टाफ है यहाँ का प्रिंसिपल है हमारे नावी साहब हैं वसीम जी हैं और अदर स्टाफ है हमारा और बच्चे हमारे सभी को अस्सलाम वालेकुम। ये ट्रेड यहाँ को हम ट्रेड में थे, एक हमारा फूड चेन थी, हमारा पैप्सी का ट्रेड था, हमारा इलेक्ट्रॉनिक का ट्रेड था, लेकिन 2014 में डिसाइड किया गया कि हमें एक ऐसा काम करना चाहिए जो स्टेट के लिए प्राइड हो। तो हमने एजुकेशन सऊदी एजुकेशन ट्रस्ट की बुनियाद रही जिसके तहत यहाँ पे 100 कनाल जो हमारी जमीन थी हमारे बुजुर्गों की यहाँ पे उसको इसके लिए वक्फ किया गया और यहाँ पे हमने हैट्रिक ऑफ दिस स्कूल शुरू किया। लेकिन हमने महसूस किया दो तीन साल के बाद कि शायद वो चीज़ हम नहीं दे पा रहे हैं यहाँ पे जिस मकसद के लिए ये एजुकेशन ट्रस्ट बनाया गया, जिस तालीम को हम देना चाहते, इसलिए हमने उस पर बहुत विचार हुआ और हमने सोचा कि हमें एक अच्छा ब्रांड यहाँ लेके आए। तो हमने 2019 में इंटरनेशनल GPS ब्रांड के साथ हमारी बातचीत करी और हमें एक हैवी अमाउंट देना पड़ा तकरीबन 75 लाख रुपीज़ का जो कि हमने सही कर दिया। डॉक्टर भरत सैन मराबी साहब जो नाक के चेयरमैन हैं, जो पहले ही हमारे एंट्री के नाकस को होल्ड कर रही थी, तो गवर्नमेंट को मजबूरी दें कश्मीर में कोई नहीं है तो उनको चेयरमैन भी बना दे दिया, मिनिस्टर भी बना दे दिया और मुझे फसल है इस बात का कि चीज गुस्सा है तो उसको बनाने से कम अज कम जम्मू कश्मीर को खुश हो रहा है और खुश ही है। अगर आप चौधरी साहब का तो चौधरी साहब ये हमारे इंजीनियर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, स्कूल एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं, PSG चैनल के को चेयरमैन भी हैं और हर दिन अजीज है, हर एक आदमी के साथ बहुत अच्छा सलूक रखते हैं। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका सुकून, मैंने पहले भी देखा है, आज ज़्यादा ही अच्छा लगा। ये भी एक बहुत बड़ा काम है, स्कूल चलाना, लोगों के लिए हमारा फ्यूचर को बनाना और एक इसके साथ साथ रहे तो मेरा दिल बड़ा खुश हो गया। डाइस पे बैठे हुए हमारे जी इज्जत यहाँ के चेयरमैन चौधरी साहब और अगर हमारे गेस्ट मुश्ताक चाया साहब, मिसेज चौधरी और हमारे यहाँ के प्रिंसिपल तमाम स्टाफ और यहाँ के प्यारे और खूबसूरत बच्चों को मेरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले चौधरी साहब का शुक्रिया कि उन्होंने आज हमें फिर से गुलिस्तान में लाया, यानी आप एक चमन है जिसमें आप खूबसूरत खूबसूरत फूल प्लस आप बच्चे हैं और चौधरी साहब ने इस गुलिस्तान को हरा भरा रखा है। अल्लाह आपको हमेशा हरा भरा रखे और खूबसूरत रखे, ये चमन हमेशा खूबसूरत रहे क्योंकि हमारा कश्मीर खूबसूरत है और हमारे बच्चे खूबसूरत हैं और कल आप ही हमारे फ्यूचर हैं। सभी बच्चे काबिल तारीफ है, इनको सबको और लेकिन इन मुश्किल हालात में भी
जो ऑनलाइन हमारे टीचर्स ने मेहनत की और अच्छी तालीम उनका दी गई ऑनलाइन, उसके बाद मौके पर उन्होंने ये पोजिशन हासिल की, तो उनका बच्चों को हमारी सोसाइटी की तरफ से हमारे देश की तरफ से मुबारक। He's a boy who has an extremely well secured position and brought luster to this institution. देखिए जी, मैं अपने स्कूल के बारे में नहीं बात करूंगा, वो तो आपने कवर किया होगा। मैं बात करना चाहूंगा एजुकेशन सिस्टम के बारे में। कश्मीर, कोई भी स्टेट अगर मुल्क तरक्की कर सकता है वो सिर्फ करेगा एजुकेशन के बुनियाद पे। बाकी हमारे सेक्टर है, इकॉनमी, टूरिज्म है, हॉर्टिकल्चर है, लेकिन वो तभी कामयाब होंगे जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम होगा। उसके लिए स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम के लिए क्या चाहिए? आपको एक अच्छे स्कूल चाहिए, ब्रांडेड स्कूल चाहिए। आज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, अगर एक कारपेंटर है वो भी पढ़ा लिखा होगा, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा तभी कामयाब, और अगर एक साइंसदान है उसको भी टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर ही हो सकता है। और वो टेक्नोलॉजी हमें तब मिलेगी जब हम एक अच्छे स्कूल लाएंगे, बहुत अच्छे स्कूल ब्रांड्स लाएंगे जो कि इंटरनेशनल लेवल के हों। हमारे बच्चे बहुत काबिल हैं लेकिन उनके पास गाइडेंस नहीं है, उनके पास वो हमारे पास वो टीचर नहीं है, हमारे पास वो इंस्ट्रक्टर नहीं है जो उसको उस लेवल पे लेके जाए। हमारी भी एक कोशिश थी, कश्मीर में कुछ ब्रांड और भी हैं, यहाँ बजट स्कूल काफ़ी हैं, लेकिन जो ब्रांडेड स्कूल हैं उनके लिए हमें चाहिए। लेकिन ब्रांडेड स्कूल हमारे कैसे आएंगे? देखिए, आज ग्लोबल है, ऐसा नहीं है कि उनके लिए मजबूरी है कश्मीर में आना। जब उनके लिए हम एक अच्छा माहौल बनाएंगे, अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे, हम बहुत बात करते हैं टूरिज़्म की, हम बहुत सारे ब्रांडेड्स को बुला रहे हैं टूरिज़्म वालों को कि आप आइए यहाँ पर ज़मीन देंगे, तो वाई नॉट इन द एजुकेशन जो बेस है। तो बेस मैं चाहता हूँ, बेस को मजबूत बनाइए, आप बाहर से लाइए, देखिए उनकी मुश्किलात क्या है स्कूलों की, अगर उनको किया जाए। आज हम चाहते हैं, देखिए स्कूल एक नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ के जो बड़े बिजनेस हाउस हैं उन्होंने बहुत कमाया है या कमा भी लेंगे, लेकिन वो एजुकेशन सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्ट करें और एक इंस्टीट्यूट यहाँ पर लाएँ, ब्रांडेड स्कूल लाएँ। लेकिन वो भी उस तरीके से होना चाहिए कि अगर वहाँ पे कम से कम 10-20% जो मिलना, जो एडमिशन मिले वो गरीब बच्चों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि खाली अमीर का बच्चा ही एक अच्छा पैसा दे के एजुकेशन हासिल कर सकता है, गरीब के लिए भी वो एजुकेशन होनी चाहिए। तो इसके लिए आज हमने चंदा जी को भी किया है, और जब हम मोदी साहब से गए थे मैं भी उस डेलीगेशन में था और हमने ये बातें उनको बताई थी, और उनका एक लफ्ज़ बहुत था कि हम कश्मीर को तरक्की देना चाहते हैं और कश्मीरियों को भी तरक्की दें, हम चाहते हैं कश्मीर तरक्की करे और कश्मीरी भी तरक्की करें। तो उसके लिए मुझे लगता है कि काम होना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है, अब खाली स्पीच और दूसरी चीज़ें के बजाय प्रैक्टिकल काम होने चाहिए। थैंक यू।